उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकारपुर पुलिस की करतूत का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक कार में कपड़े से लिपटा हुआ तमंचा रखते हुए नजर आ रहा है। मामला जिला बुलंदशहर के शिकारपुर का बताया जा रहा है, जहां एक कार में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों ने कपड़े में लपेट कर एक तमंचा रखा। उसके बाद पुलिस ने कार चालक पर तमंचा रखने का आरोप लगाते हुए पहले तो उसका चालान काटा और फिर उसे जेल भेज दिया। जिस वक्त पुलिसकर्मी इस करतूत को अंजाम दे रहे थे, उसी समय वहां पास ही में मौजूद सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। कार चेकिंग के दौरान युवक की कार से दरोगा पुष्पेंद्र चौधरी ने तमंचा बरामद कर अमित को जेल भेज दिया। पुलिसकर्मी इस करतूत का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद बुलंदशहर एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी पुलिसकर्मी पर बड़ा एक्शन हो सकता है। पीड़ित के पिता दिनेश कुमार ने बताया कि 21 तारीख को बेटा दावत खाकर आ रहा था। बाजार में गाड़ी पुलिस वालों ने रोक ली, जबरदस्ती उसमें तमंचा रखा और निर्दोष को दोषी बना दिया, चालान काटा और फिर उसे जेल भेज दिया। सर, बुलंदशहर के थाना शिकारपुर इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक पुलिस कर्मी जो है एक गाड़ी में तमंचा रखा है और उसी आदमी को जेल भेज दिया जाता है। क्या पूरा मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई है? ये थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और दो सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें दो होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जाँच संपादित की जाएगी। सर, टोटल कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? टोटल जैसा कि मैंने बताया कि थाना शिकारपुर के एसएचओ हैं और कस्बा चौकी इंचार्ज हैं और दो सिपाही हैं और दो जो होमगार्ड हैं, जितने लोग वीडियो में प्रदर्शित हो रहे हैं सबके खिलाफ़ कार्रवाई की गई।